जितना पढ़ सकते हो उतनी उतना पढ़ो जितनी मेहनत करनी मेहनत करो और जो भी होगा अच्छा ही होगा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आता है हमेशा और हमेशा वही होगा ठीक है सो so, ये ये सारी जितनी भी माइंड uh, में कंफ्यूजन है कि पेपर डिफिकल्ट आएगा इजी आएगा मीडियम आएगा ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला जस्ट फोकस ऑन द स्टडीज जो चीज रिवाइज कर रही है उनको रिवाइज करो करंट अब कुछ नहीं पढ़ना है करंट मीन्स करंट अफेयर पर इतना फोकस मत करो ना ही करंट लीगल नॉलेज पर जितना पढ़ चुके हो उतना sufficient है और उन चीज को रिवाइज करो जितना रिविजन करोगे उतना तुम्हारे examination perspective से बहुत ज़्यादा करेगा okay? so, जिसमें जून के मंथ का अपन करेंगे जब हम लक्षदीप की बात करते हैं सो so, लक्षदीप में जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल पटेल Uh, वो वहां पर चार रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए उन चार फोर रूल्स रूल्स एंड 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 में से एक अबाउट अबाउट गुंडा एक्ट अनदर वन इज डिमोलिशन ऑफ लक्षद्वीप के जो है दक्षदीपेन मेजोरिटी लक्षद्वीप के जो रेसिडेंट्स है उनका जो ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग है सो so, उन्होंने अपने जो टेम्परेरी हट बना के रखे थे कोस्टल एरियाज में उनको डिमोलिश किया जाएगा रीजन uh, बीइंग क्योंकि उन रोड्स को एक्सपेंड करना है एंड uh, तो ये बहुत सारे चार रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर

जब भी हमने देखा है कि मेजरिटी ऑफ दी स्टेट्स के एक इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट होता है जैसे यूपी का अलग हाई कोर्ट है महाराष्ट्र का अलग है आपका मध्य प्रदेश का अलग है तमिलनाडु का अलग हाई कोर्ट है बट जहां 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 छोटे छोटे एरियाज हैं पॉपुलेशन कम है जैसे गोवा तो गोवा का जो जुरुडिक्शन है हाईकोर्ट का जोरुडिक्शन है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में लगता है तो सेम कोर्स में थी लक्षदीप तो लक्षद्वीप का जो जुरुडिक्शन है हाईकोर्ट का जुरुडिक्शन वो केरला के जुरुडिक्शन में आता है केरला के हाईकोर्ट में आता है सो so, प्रफुल पटेल

बट नाउ द दर द कंसर्स अगर क्या कंसर्न होंगी अगर लक्षदीप का हाईकोर्ट का जो केरला से शिफ्ट होकर कर्नाटका चला जाता है सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि लक्षदीप की हम जब बात करते हैं तो लक्षदीप की जो लैंग्वेज uh, है मदर टंग है इट्स मलयालम एंड केरला की भी जो मदर टंग है इट्स मलयालम सो केरला हाईकोर्ट का जुरुडिक्शन केरला हाईकोर्ट की जुरुडिक्शन देने का मेन पर्पस यही था क्योंकि लक्षदीप और केरला में मेजोरिटी ऑफ दी पॉपुलेशन स्पीक मलयालम सो एक बॉन्ड ऑफ लैंग्वेज थी बट अगर शिफ्ट होता है कर्नाटका में तो कर्नाटका में जो लैंग्वेज uh, है मदर टंग है मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो बोली जाती है इट्स कन्नडा सो बॉन्ड ऑफ लैंग्वेज एक तरीके से ब्रीच हो जाएगी अगर शिफ्ट होता है हाईकोर्ट ओके okay? मतलब लक्षद्वीप का जुरुडिक्शन शिफ्ट होता है कर्नाटका हाईकोर्ट में द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द ब्रेक ऑफ बॉन्ड ऑफ लैंग्वेज दी सेकेंड प्रॉब्लम इज डिस्टेंस प्रॉब्लम जब भी हम बात करते हैं डिस्टेंस की तो यस हमारे दिमाग में सुप्रीम कोर्ट आता है क्योंकि सदन के जो लोग हैं सदन के रेसिडेंट्स है सदन स्टेट के रेसिडेंट्स हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, और बहुत ज्यादा स्पेकुलशन था बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हो इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक डिफरेंट डिफरेंट रीजन में होना चाहिए नॉर्थ रीजन के लिए अलग सुप्रीम कोर्ट सदन रीजन के लिए अलग सुप्रीम कोर्ट के डिस्टेंस प्रॉब्लम ना हो बट अब सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो अभी अभी हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे अभी करेंडियॉबीप so, से अगर हम करें, तो अराउंड फोर हंड्रेड किलोमीटर लेकिन अगर हम लक्षदीप से कर्नाटका हाईकोर्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो थाउजेंड तो किलोमीटर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और कोई डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि आप कर्नाटका जा सको लक्षद्वीप के रेसिडेंट्स के लिए एंड द मेजर एंड प्रॉब्लम थर्ड कंसर्न इज इट्स अबाउट दी ऑलरेडी जो लक्षद्वीप के रेसिडेंट या लक्षद्वीप के केसेस केरला हाई कोर्ट में चल रहे हैं उनका ट्रायल चल रहा है या फिर आधे केस कंप्लीट भी हो गए सो so, वो केसेस ऑलरेडी शिफ्ट हो जाएंगे कर्नाटका हाई कोर्ट में और फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा उन केसेस का सो टाइम वेस्ट होगा सो दीज आम अगर लक्षद्वीप का जो शिफ्ट होता है कर्नाटका हाईकोर्ट में और बाकी पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 241 और सिर्फ यूनियन टेरिटरी हाई का हाईकोर्ट का पार्लियामेंट से शिफ्ट हो सकता है सिर्फ एक्ट ऑफ और, और किसी के पास पावर नहीं है further, so, कि कि अब समय आ चुका है कि डेफिनेशन को हम डिफाइन कर दें एक लिमिटेशन दे ट हैपन हुआ क्या सो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने दो दो टीवी चैनल के ऊपर बेसिकली मिनिस्टर्स या दो एम एल एस की स्पीचेस को जो कि ऑफेंसिव स्पीचेस थी उनको पब्लिक कर दिया और दो हम जब बात करते हैं तो वो दो है कौन मीडिया हाउसेज दो कौन टीवी चैनल्स है सो बे याद ही ए बी एन एंड्रा ज्योति मीडिया हाउसेज के ऊपर चैनल के ऊपर सिटीजन के चार्जेस लगा दिए आपके आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने और जब चार्जेस का पता लगा उन मीडिया हाउसेस को तो वो अप्रोच कर गई कहा सुप्रीम कोर्ट में तो जब सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करी तो पिटिशनर बन गई और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट

कि वो कोविड नाइनटीन की प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पाए और इसी के चलते हमने उन पब्लिक किया और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर के चार्जेस लगा दिए जब सुप्रीम कोर्ट को यह पता लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला कि यह गलत है और सिडिशन के चार्जेस आपको ऐसे नहीं लगाने चाहिए बट सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में एक बात थी कि ऐसी इंसिडेंट्स बार बार होते रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला कि टाइम अब समय आ चुका है कि हम सिडिशन की डेफिनेशन को डिफाइन करें या लिमिट करें क्या होता क्या है

इन दोनों की डेफिनेशन को लिमिट करने का समय आ चुका है और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कभी कुछ बोला नहीं को लेकर सो ऑलरेडी एक केस हुआ था केदारनाथ सिंह वर्सिज स्टेट ऑफ बिहार उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इफ एनी पर्सन प्रमोट दशन टमेंट लेकिन उसके फैलाने से

पब्लिक ऑर्डर ब्रीच होता है या पब्लिक में वॉयलेंस क्रिएट होता है या पब्लिक में डिसहार्मनी होती है तो फिर आपके ऊपर के चार्जेस लग सकते हैं और आपके एक्ट से अगर पब्लिक डिसऑर्डर नहीं होता है पब्लिक में वॉयलेंस नहीं होता है तो फिर सिडिशन के चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगेंगे एंड देर वॉज अनदर केस इट्स वॉज बलवंत सिंह के बलवंत सिंह केस में बेसिकली uh, कुछ सिख रिलीजन के लोग थे कुछ कुछ सिख रिलीजन के लोग थे कुछ पीपल थे सिख रिलीजन के और उन्होंने स्लोगन को रेज किया था खालिस्तान जिंदाबाद और ये केस जब आ, सुप्रीम कोर्ट में गया किया उनके ऊपर के चार्जेस चाहिए के लगाने चाहिए कि नहीं तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला था कि नहीं लगने चाहिए क्योंकि इनके स्लोगन से पब्लिक में डिसऑर्डर नहीं हुआ पब्लिक में वॉयलेंस नहीं हुआ तो इसी के चलते इन दोनों को इन दोनों के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं जो कम्युनिटी के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं कि उन्होंने स्लोगन दिया था खालिस्तान जिंदाबाद का वो सिडीश नहीं होगा लेट्सि so, के सुप्रीम कोर्ट फाइनली सिडीशन के डेफिनेशन को लिमिट करती है कि नहीं करती बट द मेन प्रॉब्लम इज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो पार्लियामेंट को डायरेक्ट कर सके कि सीडिशन की डेफिनेशन को लिमिट करो दे कैन रिकमेंड दे कैन गिव एडवाइस बट एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ओके मूविंग फॉर्दर Towards the next issue, so it's about the Supreme Court urge to stop illegal adoption. So, what happened? Now, NCPCR ki report, hai, National Commission for Protection of Child Rights, has written that around 9,000 uh, children got orphaned because of COVID 19, and 24,000, uh, approximately 24,000 of the children ke either of the parents died. and uh, around 300 children so abandoned kar diya gaya because of COVID 19.

इसको अडोप्ट uh, कर लो अगर किसी को अडॉप्ट करना है तो दे कैन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस कॉन्टेक्ट नंबर इन डिफरेंट अदर थिंग्स आपने भी देखा होगा या फिर फेसबुक uh, इन सब पे ट्विटर पे देखा होगा सो सुप्रीम कोर्ट की नजरों में जब ये बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला कि दिस इज अलिगल अडोप्शन क्योंकि जुबिना जस्टिस एक्ट टू में ऑलरेडी मैंशन है कि किसी भी चाइल्ड की आइडेंटिटी उसका फेस उसकी एज उसका जेंडर उसकी कोई भी चीज आप रिवील नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर अगर आप रिवील करते हो तो आप जे जे एक्ट मतलब जस्टिस 2015 का ब्रीच कर रहे हो और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो चल रहा है सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाले जा रहे हैं वो गलत है और ये इन सब चीजों पे रोक लगनी चाहिए अगर आप रोक अगर आप पोस्ट डालते हो तो आपको पनिश कर दिया जाएगा ओके सो so जब हम जुविनाइट जस्टिस एक्ट टू की बात करें तो जोविनाइट जस्टिस एक्ट फिफ्टीन बोलता है

डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास रखेंगे एंड देन उसके बाद बोल सकते हैं अनाथालय में उस बच्चे को दे दिया जाएगा और जुबनाइल जस्टिस एक्ट टू थाउजेंडीन मूविंग फर्दर टुवर्ड्स दी नेक्स्ट इशू सो इट्स अबाउट दी द ड्राफ्ट सिमेटोग्राफिक अमेंडमेंट बिल ट्वेंटी

U/ A Universal 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 and Adult, 13 plus, and 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 Adult, 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 Plus 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 The the third change is, it's about the, के जब हम बात करते हैं cinematographic Act की तो उसमें कोई पायरेसी को लेकर कोई प्रोविजन नहीं था But by this bill, अब पायरेसी को लेकर फिल्म पायरेसी को लेकर प्रोविजन आ चुका है and uh, अब अगर कोई पायरेसी करते हुए पकड़ा गया तो उसको फाइन इंप्रिजनमेंट और दोनों हो सकती है एंड द CBFC सर्टिफिकेट देता था so वैलिड रहता था टेन ईयर बट नाउ अब सर्टिफिकेट जो मिलेगा इटर सर्टिफिकेट फॉर आप कभी रिलीज कर सकते हैं पहले क्या था CBFC सर्टिफिकेट देता था तो आप 10 साल के बीच में टेन ईयर्स तक आप मूवी को रिलीज कर सकते हो अगर आपने की तो ठीक है अगर नहीं कर पाओ आप 10 साल 10 साल तक मूवी रिलीज नहीं करी तो वो फिल्म को फिर से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ेगी बट अब ऐसा नहीं है अब रिटर्न सर्टिफिकेट है एक बार सर्टिफिकेट मिला यू कैन रिलीज दी मूवी एनी टाइम बट वॉट आर दी कंसन बाई दिस वट आर दी कंसन ऑफ दिस बिल इज क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है केस में नेम ऑफ दी अब्बास में ऑलरेडी बोला था गवर्नमेंट का कोई राइट right नहीं होगा ऑन सेंसरशिप कोई भी राइट right नहीं है ऑन दी फिल्म के ऊपर और देखना पड़ेगा जब ये बिल एक्ट बनता है तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज पर क्या एक्शन लेगा इस अमेंडमेंट पर क्या एक्शन लेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अगेंस्ट में जा रहे मूविंग फॉर दर टुवर्ड्स दशू सो इट्स अबाउट दी

तो बॉम्बे दो स्टेट में डिवाइड हो गया एक स्टेट बना गुजरात एंड एंडर स्टेट इज महाराष्ट्र बट द द्वेशन आज क्या जो बिल जो एक्ट जो लॉ बॉम्बे एक्ट जो बॉम्बे में एप्लीकेबल हुआ करता था वो अब अक्की स्टेट में एप्लीकेबल होगा सो so दोनों स्टेट्स ने अपने स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल कर लिया और दोनों का नाम सेम था महाराष्ट्र में जो एक्ट का नेम था इट्स आल्सो नोन एज बॉम्बे प्रोविजन एक्ट 1949 एंड गुजरात में जो था एक्ट उसका भी नाम था बॉम्बे प्रोविशन एक्ट 1949 बट गुजरात ने कुछ चेंज किया गुजरात ने सबसे पहला जो चेंज किया किया वो किया कि ड्रग्स एंड सब्सटेंस के अलावा उन्होंने एल्कोहल को भी बैन कर दिया उन्होंने एल्को, भी कर दिया जो कि महाराष्ट्र ने एल्कोहल को एड नहीं किया अभी भी महाराष्ट्र में एक्ट है वो सिर्फ ड्रग्स और सब्सटेंस पर बैन लगाता है बट इन दी गुजरात गुजरात में एल्कोहल ड्रग्स और सब्सटेंस तीनों आ चुके हैं बॉम्बे प्रोविशन एक्ट 1949 में बट इन दर टू थाउजेंड इलेवन बॉम्बे एक्ट 1949 जो गुजरात स्टेट मेंबल हुआ उसका नाम करते, उसका, नाम करके, करके, उसका नाम रख दिया गुजरात सेवन डेकेट सत्तर साल बाद इस एक्ट को चैलेंज किया गया गुजरात हाईकोर्ट में बट वॉट आर द रीजन बिहाइंड क्या पिटिशनर ने बोला पिटिशन जब फाइल करी थी कि एक्ट को ये एक्ट है। अनकूशनलर so, ने दो रेस किया पहला उन्होंने किया कि ऑलरेडी ऑलरेडी इन द ईयर 2017 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बता चुका है इन द केस ऑफ पुटुसामी जजमेंट एंड राइट टू प्राइवेसी का मतलब कैन ईट और कंज्यूम एनीथिंग सो so, अगर आप किसी पर्सन को अल्कोहल कंज्यूम करते हुए पाए गए तो फिर वो तो फिर वो बेसिकली uh, उसके उसके राइट टू प्राइवेसी या आर्टिकल 21 का ब्रीच होगा एंड द सेकंड इशू सेकंड इशू जो उन्होंने रेस किया द सेकंड इशू सेज सेकंड इशू में बोला कि

टूरिस्ट डोमेस्टिक ट्रेवलर्स एंड टू डोमेस्टिक रेसिडेंट्स ऑफ गुजरात क्योंकि आप फॉरेन ट्रेवलर्स और फॉरेन टूरिस्ट को आप एग्जाम्शन दे रहे हो लेट्स सी कि इसमें गुजरात हाईकोर्ट इसमें क्या बोलेगा बट स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टैंड रखा स्टेट गवर्नमेंट सिंपल सी बात बोली स्टेट गवर्नमेंट से अंडर द आर्टिकल 47 महात्मा गांधी का प्रिंसिपल था कि अल्कोहल सब्सटेंसेस को बैन कर देना चाहिए मतलब इंटॉक्सिकेटिंग एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को बैन कर देना चाहिए और महात्मा गांधी वाज बोर्न इन गुजरात उनकी फिलॉसफी को मानते हुए गुजरात स्टेट ने अल्कोहल बैन करने का डिसीजन लिया और जब उनसे पूछा गया कि दिस इज आर्बिट्री तो उन्होंने सिंपल सी बात बोली स्टेट गवर्नमेंट सेड कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए हमें फॉरेन टूरिस्ट और ट्रेवलर्स को परमिशन देनी पड़ती है लेट्स सी कि गुजरात हाई कोर्ट इसमें क्या स्टैंड लेगा मूविंग फॉर्दर सो इट्स अबाउट दी मेंटेनेंस एंड द वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट टू सो रिसेंटली केरला हाईकोर्ट ने कर्नाटक गवर्नमेंट को बोला सॉरी इट्स नॉट केरला हाई कोर्ट कर्नाटक कर्नाटक हाई कोर्ट तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने रिसेंटली कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आपने इस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया तो ये टोटल फेलियर है कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट का बट जब कर्नाटक स्टेट स्टेट गवर्नमेंट ने पूछा कि हमने कौन सा प्रोविजन फॉलो नहीं किया तो दिस सेड तो हाई हाईकोर्ट कि अंडर दिस एक्ट सेक्शन 19 सेज कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शुड बी ओल्ड एज होम और आपने ओल्ड एज होम को सेटअप नहीं किया सो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट सेड के सेक्शन 19 में मे वर्ड यूज किया गया मे कैन भी आपको करना है तो करिए नहीं करना है तो नहीं करिए बट कर्नाटक हाईकोर्ट साइड बी रेड एज शेल सो देर इज अंप देर इज अ कंपल्शन ऑन दी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के उनको इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शुड बी देयर शुड बी ओल्ड एज होम और जब हम इस एक्ट की बात करते हैं तो ये एक्ट बेसिकली स्पीडी प्रोसीजर और इनएक्सपेंसिव प्रोसीजर बताता है अगर किसी पेरेंट को मेंटेनेंस नहीं मिल रहा फ्रॉम देयर एडल्ट चिल्ड्रन और इस ये एक्ट बेसिकली पेरेंट्स की डेफिनेशन भी डिफाइन करता है एंड दी डेफिनेशन ऑफ द पेरेंट्स अंडर दिस एक्ट सेज इट मींस बायोलॉजिकल पेरेंट्स इट मींस अडॉप्टिव पेरेंट्स एंड इट मींस स्टेप पेरेंट्स ओके मूविंग फर्दर सो अनदर

क्या है और क्यों पाकिस्तान को नेशनल असेंबली में इस बिल को पास करना पड़ा सो इन दर ईयर 2017 पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को अरेस्ट किया था एंड कुलभूषण लगाए थे कि उन्होंने और पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने पाकिस्तान की आर्म फोर्जे कोर्ट ने कुलभूषण यादव को डेथ पेनल्टी दे और उनके पास राइट टू अपील का राइट right नहीं दिया गया और जब यह बात इंडियन अथॉरिटीज़ को पता लगी तो इंडियन अथॉरिटीज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस चले गए क्योंकि ना ही, ही, ही इंडियन के के पाकिस्तान और इंडिया का so इसी के चलते दोनों लोग दोनों कंट्रीज आईसीजे गई मतलब इंडिया गया आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बोला कुलभूषण जाधव को जो राइट नहीं मिला राइट टू अपील और राइट टू काउंसिलर उन्होंने उन्होंने कन्वेंशन का का किया है ये ये था जब ने 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 सुना तो सी बात बोली कि पाकिस्तान ने दो राइट्स का ब्रीच किया है पहला कि अगर आप किसी भी फॉरेन नेशनल को अरेस्ट करते हो और पनिश कर सक, करते हो तो आपको उस फॉरेन नेशनल के नेशनल अथॉरिटीज को इंटीमेट करना पड़ेगा कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हमने इस पर्सन को अरेस्ट किया और उनके ऊपर चार्जेस लगाया और, हमने इसको और ने ये नहीं किया इसीलिए कुलभूषण कुलभूषण जाधव को, मतलब कुल को अरेस्ट किया गया था तो पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी की जो अथॉरिटीज है इंडियन एम्बेसीज के जो ऑफिशियल्स है उनको अलाउ नहीं किया गया कि वो कुलभूषण यादव से मिल सकता है इसी के चलते पाकिस्तान ने वीना कन्वेंशन का ब्रीच किया और दो राइट्स राइट कम्युनिकेशन एंड के चलते और वो राइट टू काउंसिलर एक्सेस दे चुका है कुलभूषण यादव से और रिसेंटली कुलभूषण यादव से इंडियन एम्बेसीज के लोग मिले और कुलभूषण यादव से उनके फैमिली भी उनसे मिल सके

और वर्किंग स्टार्ट कर दी थी there, there are, uh, 15 judges, और हर जज का टेन और नाइन ईयर्स होता है एंड जब देखा जाए तो इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हर कॉन्टिनेंट के कुछ कुछ जजेस uh, लिए जाते हैं सो थ्री फ्रॉम अफ्रीका थ्री फ्रॉम अफ्रीका टू फ्रॉम

तो so कैबिनेट ने सिंपल सी बात बताई कि अमेंडमेंट बेसिकली स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहता है हेरिटेज ट्रीज को बट वॉट द डेफिनेशन ऑफ हेरिटेज ट्रीज सो कैबिनेट साइड कि द द ट्रीज विच आर दी अब द एज ऑफ 50 इयर्स वो हेरिटेज ट्रीज के डेफिनेशन में आएंगे क्या सारे स्पीसीज सारे ट्रीज uh, की स्पीसीज के लोग हेरिटेज uh, ट्रीज में आएंगे तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने बोला नो हम स्पीसी को टाइम टू टाइम डिफाइन करते रहेंगे कौन सी के ट्रीज ट्रीज हेरिटेज डेफिनेशन में आने वाले हैं उन्होंने उन्होंने अमेंडमेंट बताया भी जो प्रपोज अमेंडमेंट है उस अमेंडमेंट बताया भी कि अगर कोई हेरिटेज ट्री को कट डाउन करता है तो उसको कंपनसेटरी प्लांटेशन करना पड़ेगा तो समर्सन आर्सरी प्लांटेशन का मतलब तो उन्होंने बोला कि वो डिपेंड करता है उस

These are the key provisions of the proposed amendment, which the Maharashtra government proposed. the amendment in the Maharashtra Production and Prevention of Trees Act, 1975. So this is the recap of the month of June of current legal knowledge. So we will meet in the next session with more excitement, more fun, and best of luck for your examination, best of luck for your CLAT examination and AILET examination. So we will meet in the next session with more excitement, more fun, and some interesting news. Till bye bye. Have fun and enjoy your day.